हम यहाँ पर रिव्यू करने वाले हैं एक अमेजिंग गन का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ऑग। आपको पता ही होगा कितनी रेयर मिलती है हम लोग को ड्रॉप बॉक्स में या वहाँ, बहुत ही कम मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका बॉक्स, देख सकते हैं लिखा गया डू नॉट शूट एट ह्यूमन और एनिमल, क्योंकि इसके अंदर प्लास्टिक के बुलेट्स है, इसलिए इससे वो कुछ भी डैमेज हो सकता है फ्रेंड्स, इसलिए यहाँ पर ऐसा दिया गया है। ये देखिए कंपनी विल बी नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ट्रबल कॉज ऑफ द मिस यूजिंग एंड रिमॉडलिंग ऑफ एयर गन। ये देखिए फ्रेंड्स ऑलरेडी पहले ही यहाँ पर वार्निंग दी गई है। तो बॉक्स को रखते हैं बाजू में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स सेम टू सेम आपके जैसे ही लग रही है, ये देखिए। तो पहले इसमें क्या क्या दिया गया है ये बता देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्कोप दिया गया है, ये देखिए अच्छे क्वालिटी का है फ्रेंड्स, पर ये डम्मी है ये देखिए। और इसके साथ हमें यहाँ पर लेज़र लाइट दी गई है, ये देखिए। और इसके साथ हमें यहाँ पर दी गई है ब्लेड्स, ये देखिए फ्रेंड्स प्लास्टिक की ब्लेड्स है, इससे हमको मार भी लग सकता है, इसलिए देखकर यूज़ करना होगा फ्रेंड्स इसको। तो आप देख लेते हैं आपको, वाओ फ्रेंड्स ये देखिए अमेजिंग है फ्रेंड्स, वाओ बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ज़्यादा वजन है फ्रेंड्स इसकी। इसकी ये प्लास्टिक की बनी हुई है पर बहुत स्ट्रांग लग रही है फ्रेंड्स, ये देखिए बहुत हार्ड प्लास्टिक से बनाई गई है और बहुत ज़्यादा वेट है फ्रेंड्स। तो ये बॉक्स को रखते हैं बाजू में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, ये देखिए वाव अमेजिंग है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इसको मैं चलाने का तरीका बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पर हम इसके बुलेट्स डाल सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर, और इस तरह से इसे क्लोज कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर ट्रिगर यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए बहुत ही टफ है फ्रेंड्स, ये बहुत ही हार्ड प्लास्टिक लग रहा है। और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, ये देखिए बहुत हार्ड है फ्रेंड्स, इस तरह से लोड करना होगा, फिर उसके बाद में ऐसा कर चलाना होगा, ये देखिए ये देखिए। ये देखिए फ्रेंड्स, तो आप इसे कह सकते हैं कि कोई स्ट्रांग बंदा ही इसे चला सकेगा, क्योंकि बहुत ही टाइट ग्रिप है फ्रेंड्स इसका, ये देखिए। और ये यहाँ से ओपन भी होता है, ये देखिए इसका सप्रेसर है फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके अटैचमेंट में से अटैच कर आपको बता देता हूँ, ये देखिए। तो इस तरह से हमें लगाना होगा ये। से बैठ जाएगा इसका स्कोप, और उसके बाद यहाँ पर लेज़र लाइट यहाँ पर नीचे आ जाएगा, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स इसको चलाकर देख लेते हैं। से अगर आप परचेस करते हैं तो घर में बिल्कुल मत यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके बुलेट्स रिवर्स आकर लग रहे थे मुझको जब मैं यूज़ कर रहा तो प्लीज़ आप इसे अगर परचेस करते हैं तो घर में बिल्कुल मत यूज़ कीजिए फ्रेंड्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, उसके साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं कुछ इंटरेस्टिंग टॉयज़ के साथ, धन्यवाद।